अम्मी, आपके लिए गरम गरम दूध, और वो भी बादाम का। आइए बैठिए, इसको पीने के बाद अम्मी आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। आहिल, तुम्हें हमारी कितनी फिक्र है। अम्मी, आप इतने रात की किससे बात कर रहे थे? आहिल बेटा, तुम ये ना पूछो तो अच्छा ही, क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं जो हमने तुमसे छुपा कर रखी। कुछ ऐसी बातें हैं जो तुम्हारे लिए खतरा बन सकते हैं, इसीलिए आज तक हमने तुमसे वो बातें नहीं बताई, क्योंकि हम नहीं चाहते कि तुम किसी मुसीबत में पड़ो। जब से आप गई थी ना, अकेला पड़ गया था, टूट चुका था, लेकिन अब आ गई। अब मुझे किसी बात का कोई डर नहीं है। आपके आहिल को कुछ भी नहीं हो सकता। तो हमारी अम्मी, आप ये बताइए क्या बात है? तुम्हें क्या लग रहा है कि अगर तुम बड़े हो गए हो तो हमारे लिए बच्चे नहीं रह गए? एक माँ के लिए उसका बच्चा चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन वो बच्चा ही रहता है, और हम नहीं चाहते कि हमारे बेटे के सर पर किसी भी बला का बुरा साया पड़े। इसीलिए तुमने तुमको आज तक कुछ नहीं बताया। और आहिल, हम सब संभाल लेंगे, और जब सही वक्त आएगा तब तुम्हें सब कुछ बता भी देंगे। तुम्हें हमारी बात पर यकीन है ना बेटा? अम्मी, अपनी जान से भी ज्यादा। अच्छा, जाकर अपने कमरे में आराम करो, बहुत रात होगी, जाओ। काश ये रात नींद भी लेकर आ जाए। क्या करें? रात को नींद नहीं आती और दिन में चैन नहीं आता। आहिल, ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाते हैं, तो नींद क्या भला है? तुम कोशिश करोगे तो तुम्हें नींद आ जाएगी। जाओ अपने कमरे में जाकर सोने की कोशिश करो, जाओ। अम्मी, हमें याद है बचपन में मुझे कैसे सुलाती थी। मैं चाहता हूँ आज भी आप मुझे उसी तरह सुलाएं। I really want to sleep। या अल्लाह, हमें जल्द से जल्द उस वसीयत के पास पहुंचना होगा। लेकिन ये आहिल हमें जाने ही नहीं दे रहा, क्या करें? तो आवाज बंद कर, आवाज बंद कर अपनी। चुप। क्या ये? छोड़ो, छोड़ दो मुझे। देखो तो मैं आवाज से मुझे छोड़। जल्दी कर, इससे पहले कि वो यहाँ आ जाए। वो इस वक्त यहाँ आ रही है। हाँ, वो यहाँ आने वाली है। देखिए लिफाफा, इस लिफाफे में बहुत अहम दस्तावेज हैं।